सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक टेक्नो। गाइज जब मेरा कंप्यूटर को मैं पावर ऑन करता हूँ, पावर ऑन करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मेरे का स्क्रीन पर जो डेस्कटॉप होता है वो ब्लास्ट स्क्रीन दिखाई देता है। यानी कि दोस्तों जब भी मेरा कंप्यूटर को मैं ऑन करता हूँ तभी दोस्तों जो मेरा स्क्रीन होता है वो ब्लैक दिखाई देने की वजह से मैं जो मेरा विंडो को मैं एक्सेस नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों अपना कंप्यूटर पर भी दोस्तों सेम टू सेम प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है, जो आपका स्क्रीन होता है वो ब्लैक दिखाई देता है, तो आपको मेनी चैलेंजेस फेस करने के लिए पड़ता होगा। तो आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे दोस्तों ये प्रॉब्लम का आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, पूरी डिटेल पर बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इसका रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों पता चल जाएगा। सो आज के इस वीडियो पर हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इसका रीजन क्या है पहले जान लेते हैं, बाद में उसका सॉल्यूशन जानेंगे। पहला रीजन हो सकता है दोस्तों आप डायरेक्ट बोर्ड से जो आपका पावर को ऑफ कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों जो आपका कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कई बार क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। दो नंबर रीजन हो सकता है दोस्तों आपका लो रैम या फिर लो स्टोरेज की वजह से दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। और जो तीसरा नंबर रीजन हो सकता है दोस्तों जो आपका बूटेबल ड्राइवर क्या करता है, जब अपना कंप्यूटर बूट होता है तभी जो बूटेबल ड्राइवर आपका यहाँ पर लोड नहीं करता है जो ड्राइवर को, तभी ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। और भी कई सारे कॉजेस होता है दोस्तों जो कि आपको मेन कॉजेस में आपको बता दिया हूँ, आगे आपको गलती नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है चलिए जानते हैं। पहला सॉल्यूशन में दोस्तों अपना मॉनिटर का पावर बटन ऑफ होने के बाद भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है, जो आपका डेस्कटॉप होता है वो ब्लास्ट स्क्रीन देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको देखना है दोस्तों अगर आपका मॉनिटर का पावर बटन ऑफ होगा तो आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा स्क्रीन अभी आ चुका है। देन दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा एक रेड लाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए। अगर आपका कंप्यूटर ऑफ होगा तो दोस्तों ये रेड लाइट आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर आपका कंप्यूटर ऑन होगा तो दोस्तों आपको व्हाइट लाइट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। यू कैन सी दोस्तों ऑन करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ चुका है और आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। फिर भी दोस्तों आपका मॉनिटर में पावर नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको पीछे की तरफ आपको आना है, मॉनिटर के पीछे की तरफ आना है और ये पावर केबल को एक बार निकाल के दोस्तों दोनों को एक बार फिर से टाइट करके आपको लगाना है। देन दोस्तों आपको ट्राई करना है जो आपका प्रॉब्लम होता है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, ये पहले मेथड पर करना है। चलिए दूसरे नंबर मेथड पर क्या करना है आपको बताता हूँ। यू कैन सी गाइज मैं डेस्कटॉप को मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लेनोवो लिखा हुआ चुका है। लेनोवो लिखा होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो मेरा स्क्रीन होता है अभी पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है, कोई भी प्रोग्राम को मैं एक्सेस नहीं कर पाता हूँ, मेरा कंप्यूटर एक तरह से डेड हो जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करना है। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा टास्क मैनेजर का, टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। दोस्तों टास्क मैनेजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कंप्यूटर का टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको विंडो एक्सप्लोरर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एन टास्क पर एक ऑप्शन मिलेगा, एन टास्क आपको कर लेना है। देन आपको ऊपर में एक फाइल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, फाइल पर क्लिक करके रन इन न्यू टास्क पर क्लिक करना है। रन इन न्यू टास्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कमांड आपको देना है दोस्तों, explorer.exe लिखना है। यू कैन सी explorer.exe लिखने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद चलिए मैं अभी एग्जिट कर लेता हूँ। एग्जिट करने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा जो मेरा स्क्रीन है दोस्तों पूरी तरह से अभी आ चुका है, जो मेरा विंडो पूरी तरह से अभी आ चुका है। ये कर लेना है दोस्तों आपको दो नंबर मेथड पर। तीसरे नंबर मेथड पर दोस्तों अपना पीसी को फोर्स रिबूट करना है। तो आपको पीसी पर चले आना है, पीसी पर चले आके दोस्तों अपना पावर को पहले आपको ऑफ कर लेना है। कंटिन्यूसली 5 से 6 सेकंड आपको यहाँ पर प्रेस करके रखना है। रखने के बाद ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद दोस्तों आपको फिर से 5 से 6 सेकंड छोड़ के आपको फिर से आपको कंटिन्यूसली 5 से 6 सेकंड प्रेस करके रखना है। रखने के बाद दोस्तों जो आपका कंप्यूटर अभी क्या होगा, फोर्स रिबूट हो जाएगा। फोर्स रिबूट में दोस्तों कोई भी ड्राइवर पर अगर क्रैश हुआ है तो रिपेयर करके रिप्लेस करके आपको दे देता है और जो आपका कंप्यूटर होता है दोस्तों वो आसानी से ऑन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ऐसे दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आपका डेस्कटॉप यहाँ पे ब्लास्ट स्क्रीन का प्रॉब्लम दिखाई देता है तो ऐसे आप यहाँ पे ये मेथड करके अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लैपटॉप में प्रॉब्लम ही आता है तो आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, एक डेडिकेटेड वीडियो में पहले से बना के रखा हूँ, उसको चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में, एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यू कैन सी जो मेरा स्क्रीन है वो पूरी तरह से आ चुका है दोस्तों, भी मेरा विंडो भी आ चुका है, आसानी से मैं फुल्ली तरह से अभी एक्सेस कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑलराइट गाइज, आपने देख लिया कि जो आपका डेस्कटॉप का स्क्रीन ब्लैक दिखाई देता है तो ये प्रॉब्लम का आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है पूरी वीडियो में आपको डिटेल पर बता दिया हूँ। ऐसे दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपका भी हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लैपटॉप यूज करते हैं, आपका जो लैपटॉप होता है वो व्हाइट स्क्रीन या फिर ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है तो ये वीडियो में डेडिकेटेड पहले से बना के रखा हूँ दोस्तों, लैपटॉप का प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में, एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इसका लिंक। और अभी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट असम वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून। जय हिंद।